हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो होगा थ्रेसोल्ड वेवलेंथ। ये जो टॉपिक है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने जो ये वीडियो देख रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्प्लीट कर लिया होगा, क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही कहीं ना कहीं आगे लिंक्ड है। तो आप डेफिनेटली पहले आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, उसके बाद आप ये टॉपिक स्टार्ट करिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। एम आई क्लियर टू यू? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था बेटा। हाई रेडिएशन आ रहा था, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था? मेटल सर्फेस पे स्ट्राइक कर रहा था। जब वो मेटल सर्फेस पे स्ट्राइक करता था तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते थे? इजेक्ट हो जा रहे थे। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या था? एक मेटल सरफेस था, हाई रेडिएशन यहाँ पे आ रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे मेटल सरफेस पे, ये रेडिएशन इस पे स्ट्राइक कर रहा था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहे थे। यही हमारा क्या था? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे हमने एक कंडीशन देखी कि भाई कितना एनर्जी इसे मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट आई कैन राइट? कंडीशन ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द कंडीशन? क्या लिख दिया मैंने? इलेक्शन क्यों लिख रही हूं मैं? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो ये कंडीशन थी ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। एम आई करेक्ट टू यू? देखो, ई क्या था? ई क्या है? एनर्जी है। एंड फाई क्या है? वर्क फंक्शन। व्हाट इज ई? ई इज एनर्जी। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज योर वर्क फंक्शन। ठीक है, देखो ई क्या है बेटा? एनर्जी है। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। फाई मतलब आपको वो अमाउंट, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सर्फेस से निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना इंटेंसिटी ऑफ आपको रेडिएशन तो देना ही है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर हो। ठीक, फाई जितनी एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि फाई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से निकालने के लिए जरूरी है। तो भाई फाई के जितना एनर्जी दोगे, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और आप उसको दे रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाई से तो ज्यादा देना पड़ेगा ना आपको। तो इसीलिए बोलते हैं जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक, अब फाई को आप क्या लिख सकते हो बेटा? हम फाई के लिए बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, है ना? तो फाई को हम लिख सकते हैं HF, HF इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहां से आप, अगर मैं F निकालना चाहूं तो मैं F को क्या लिख सकती हूँ? F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/H। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो सकती है 5/H के बराबर या उससे ज्यादा। मैं क्या बोल रही हूँ? F की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/H हो सकती है या 5 के बराबर हो सकती है। एम आई क्लियर टू यू? देखिए कैसे होता बेटा, 5 की मिनिमम वैल्यू 5 की क्या हो सकती है? F की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 5/H हो सकती है। इससे और कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने पढ़ा है कि F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/H, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है फाई की? इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? एफ नॉट। क्या बोल देते हैं हम? डिनोट करते हैं एफ नॉट से, और इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस एफ नॉट को ही क्या बोल दिया जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप डेफिनेशन भी इजीली लिख सकते हो, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को उसके सर्फेस से इजेक्ट कराने के लिए जरूरी है। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस। आप क्लियरली बोल सकते हो या समझ भी सकते हो। देखो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन कैसा था याद करो, याद आ रहा है कुछ? अगर आपका कल का कुछ चीज याद आ रहा होगा तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज HC/लैम्डा और HF, ये दो चीजें लिखी थी, HC/लैम्डा एंड HF। मतलब यहाँ पे जो लाइट इन रेडिएशन आ रहे थे वो कैसे थे? लो वेवलेंथ के थे और हाई फ्रिक्वेंसी के थे। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब देखो,
हाई फ्रिक्वेंसी के होने चाहिए। ये जो वेवलेंथ, समझो थोड़ा, यहाँ पे जो रेडिएशन है बेटा वो हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। रेडिएशन कैसे होने चाहिए थे हमारे? हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होने थे, ठीक। तो हाई फ्रिक्वेंसी होना तो भैया वैल्यू तो हाई रखनी ही है ना, दैट इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम कितना जा सकते हो? मिनिमम जा सकते हैं एफ नॉट के जितना। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, इससे कम नहीं जा सकते। समझ रहे हो बात को? हाईएस्ट तो आप कितना भी जा सकते हो, बट दिस इज दिस वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू, फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम हम नहीं जा सकते। हायर इज रिक्वायर्ड, हाई फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, हाई फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, लो वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर? हाई फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड एंड लो वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड। तो हाई फ्रिक्वेंसी तो रिक्वायर्ड है ही, हाई में कितना भी जाओ, बट मिनिमम की डेफिनेटली एक लिमिट होगी कि भैया इससे कम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है। समझ में आई चीज? तो इसी को बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। समझ में आया बेटा? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहां से मैं पार्टीशन कर रही हूं। अब देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखे थे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था? ई माइनस फाइव लिखा था कल, आइंस्टीन इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है? ये हमारा कौन सा है? आइंस्टीन का इक्वेशन है। ये साइंटिस्ट का नाम प्लीज देख लेना, क्योंकि अब हमारे यहाँ जैसे नाम तो होते हैं नहीं है, चिंज्योति, चीनू, मीनू, सोनू, है ना, तो नाम थोड़ा टफ होता है, और अंग्रेजी हम हिंदी मीडियम वालों के लिए और टफ हो जाती है, तो प्लीज स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? ई माइनस फाइव, ई इज एनर्जी माइनस फाइव, वर्क फंक्शन। ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप एच एफ माइनस फाइव। फाइव की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो क्या? वर्क फंक्शन के टर्म्स में मैं यहां से फाइव लिख सकती हूँ क्या? दैट इज एफ नॉट इन टू एच, लिख सकते हो, ठीक। तो यहां से मैंने फाइव को लिख दिया एच नॉट माइनस एफ नॉट, एफ नॉट माइनस एफ नॉट इन टू एच। एफ नॉट क्या है? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है। एच इज कॉन्स्टेंट, एच इज कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखिए, ये जो टॉपिक है ना बेटा, टॉपिक्स में ना ग्राफ का बहुत मतलब है ना। बहुत सारी चीजें आपको कभी कभी ना, जो ये न्यूमेरिकल्स देगा ना, ये ग्राफ में ही वैल्यू पुट करके दे देगा। कुछ चीजों को ऐसे इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिख के देता है, कभी कभी क्या कर देता है, ग्राफ के फॉर्म में ही लिख देता है। तो ग्राफ समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे बना दूं चलेगा? देखो, यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये कौन से फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में इक्वेशन में। क्या समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो चलो एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या लिखा? इक्वेशन लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मैंने लिखा है, दैट इज एच एफ माइनस, फिर मैंने एच पहले लिख दिया, चलो मैं अब एफ नॉट यहाँ पे लिख लेती हूँ, एच एफ नॉट, क्लियर। यहाँ पे एफ नॉट क्या है? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी है। एफ नॉट क्या है? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी है। और H आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज कंटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इजेक्टेड, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये लीनियर इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मत लिख लेना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि भैया ये एम एक्स माइनस सी है, दिख रहा होगा सबको, है ना। ये क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। देखो माइनस है ना, तो माइनस सी लिखोगे ऑब्वियसली, ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को प्लॉट करने जाओगे तो कैसे प्लॉट होगा? दो एक्सेस हो गए। अब इस एक्सेस में x आता है, इस एक्सेस में क्या आता है? y आता है। तो देखो x की जगह क्या आ रहा है? ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है c को, ठीक। ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है mx को, और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है y को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या, इस एक्सेस में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी y एक्सेस में। इस एक्सेस में क्या आने वाला है बेटा? देखो, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है mx को, तो इसमें कॉन्स्टेंट कौन सा है? h कॉन्स्टेंट है कि f कॉन्स्टेंट है?
एच कॉन्स्टेंट है, मतलब एफ क्या हो गया, एक्स, यानी इस एक्सेस में क्या आ जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ में आई चीज? ठीक, अब देखो लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर ग्राफ ही बनेगा, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर ग्राफ ही बनेगा। और ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब कई लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम नीचे कैसे पहुंच गए आप? नीचे इसलिए पहुंच गए बेटा क्योंकि देखो ये जो सी होता है ना, ये वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन दिखाता है कि कहाँ पे काट रहा है ये। जितना अगर मान लो जैसे मैं लिखती वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये जो सी होता है ना, ये जब आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये सी क्या है, यहां से दिखाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या है मेरी, सी है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कहाँ है, ये मेरा सी है बेटा। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी एक्चुअल में, एच एफ नॉट है। क्या है ये वैल्यू, एच एफ नॉट है। समझ में आया चीज कि ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है, एच एफ नॉट के बराबर है। अब समझ में आ रहा है, चलो आगे देखो ये ग्राफ एक्चुअली में, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, ग्राफ का स्लोप क्या है, इक्वेशन कंपेयर करो, एम एम का एम के बराबर में क्या है, एच, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका क्या है, स्लोप जो है वो हमारा एच है। सब कुछ समझ में आ गया, सारा कुछ देख लिए। अब देखो कभी कभी ग्राफ में न्यूमेरिकल्स बनाते समय ऐसे ही आपको ग्राफ बना देगा और पैरामीटर्स यहाँ यहाँ लिख देगा, यहाँ कुछ और लिखा होगा, यहाँ कुछ और लिखा होगा, यहाँ वैल्यूज लिखी होंगी, तब आपको समझना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू उसने दिया है। यहाँ मान लो 20 लिखा, तो 20 लिखा मतलब आप समझ जाना कि दैट इज द वैल्यू ऑफ एच। वैसे एच देगा नहीं, एच तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में घुमाएगा आपको। समझ में आ रही चीज है? तो ये सब आपको देखना आना चाहिए, इस इक्वेशन को आप ऐसे रिलेट करके लिखना आना चाहिए। समझ में आ गया इतना? ठीक, अब देखो अब इस ग्राफ से समझो कि और क्या चीज हम समझ सकते हैं। ये जो कट सेक्शन है बेटा, ये एफ नॉट है, कट सेक्शन है वो क्या है, एफ नॉट है, मतलब वही थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, इस एक्सिस में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा ना रे, समझ दिख रहेगी नहीं, ये एक्स है, यहां से इधर जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, बढ़ रही है। इधर से ऊपर जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो इस मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की। इस फ्रीक्वेंसी के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता ही जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ रही है, जो पार्टिकल आपका बाहर निकलने वाला है, इलेक्ट्रॉन की। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की है। एम आई क्लियर टू यू ऑल, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की है। समझ में आ रहा बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। बाहर कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी लेके निकलता है, जितनी एनर्जी लेके निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ कौन आता है, कौन आता है टक्कर मारने के लिए, फोटोन आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रही चीज, अगर ये वर्डिंग में लिखे तो समझ में आना, पकड़ में आना चाहिए आपको। समझ में आया बेटा? अब देखो ये देखो, अब मैंने एक चीज बोली थी कि F नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, F नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इससे अगर नीचे होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, इधर तो मैडम देखो इधर आप काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीजिंग दिखाए हो। ये डिक्रीजिंग जो काइनेटिक एनर्जी का आपको ग्राफ दिख रहा है ना, वो यही बता रहा है कि भैया इस समय इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। एनर्जी जरूर उसकी डिक्रीजिंग एनर्जी दिखा रही है, ये नेगेटिव ग्राफ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी दिए उसके बाद ही वो जीरो लेवल, देखो काइनेटिक एनर्जी इसको जीरो हुई है, यूटिलाइज किया है पूरा और जस्ट बाहर निकला है। उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद ही वो बाहर निकला है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसके पहले वो क्या कर रहा है, इसके पहले वो बॉडी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, इस समय अगर इस फ्रीक्वेंसी तक हो आप तो इलेक्ट्रॉन बॉडी के बाहर निकल ही नहीं पाया है, वो अंदर में ही है। समझ में आ रही चीज, तो बस यही बताना चाह रहा है। ये कट सेक्शन क्या बता रहा है आपको, थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। इससे कम अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इससे आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की
रेडिएशन देनी पड़ेगी। समझ में आई चीज? ठीक, अगर समझ में आ गया हो आगे बढ़े। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, हम देखते हैं थ्रेसोल्ड वेवलेंथ। ये समझ गया हो ना, थ्रेसोल्ड वेवलेंथ और जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि अब तो एक चीज समझ लिए तो अब दूसरा चीज तो बहुत ईजी हो जाता है ना, क्योंकि दोनों चीजें हमारी कैसी हैं, एक जैसी ही हैं। देखो थ्रेसोल्ड वेवलेंथ अगेन अगर मैं लिखूं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मैं लिख ही देती हूँ, कंडीशन फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइ। सबको याद हो गया होगा, आप तो E क्या है, F की फाई क्या है, सब पता होगा। E का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं hc by lambda, ठीक, greater than equals to phi। अब देखो वेवलेंथ है तो वेवलेंथ निकालने की कोशिश करो, बाकी सबको एक साइड कर दो। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, hc by, इस फॉर्मेट में नहीं निकालते, इसको निकालो hc by phi greater than equals to lambda, ऐसे कर सकते हो। या लिख सकते हो लेमडा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एच सी बाय फाइव। लेमडा शुड बी लेस देन इक्वल्स, देखो लेमडा इज लेस देन ही है ना एच सी बाय फाइव, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो सकती है, ये एच सी बाय फाइव से छोटा ही होना चाहिए, लेकिन कितना, बराबर भी तो हो सकता है एच सी बाय फाइव के। कितना हो सकता है लेमडा की वैल्यू एच सी बाय फाइव के, ये क्या हो सकता है बेटा, एच सी बाय फाइव के से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मतलब ये लैम्डा की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। देखो फिर से सुनो, लैम्डा एच सी बाय फाइव से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एच सी बाय फाइव होगी। ये इसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो थ्रेसोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट देखो जहां से हम पढ़ रहे थे। यहां से हमने पढ़ा था हमें कैसा चाहिए, लो वेवलेंथ चाहिए। हमें वेवलेंथ कैसी चाहिए बेटा, लो वेवलेंथ चाहिए। यहां पे देखो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ से ज्यादा हम नहीं कर सकते। इसे कम तो आप कितना भी कर सकते हो, इससे कम तो आप कितना भी कर सकते हो। देखो हमें लो वेवलेंथ रिक्वायर्ड है ना, तो जब लो रिक्वायर्ड है तो लो के लिए हमारे पास मैक्सिमम की क्या होगी, एक लिमिट होगी कि भाई इससे ज्यादा नहीं ले जाना, इससे ज्यादा ले जाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। सेम वैसी चीजें कि इस वेवलेंथ से हम ज्यादा नहीं जा सकते, तो वही है कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ से ज्यादा हम नहीं जा। अगर इतना भी ना समझ में आए ना तो सिर्फ साइन कन्वेंशन से समझने की कोशिश करना, लैम्डा एच सी बाय फाइव से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी, एच सी बाय फाइव है। ठीक है, बस ऐसी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ गए तो इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी पढ़े, क्या इक्वेशन पढ़े बेटा, ई माइनस क्या पढ़े हो, फाइ। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइ। यहां से फाइ लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। अगर मैं इसको थ्रेशोल्ड लिखना चाहूं तो एफ सी बराबर लैम्डा बाय, यहां से देखो यहां से फाइव पुट किया मैंने, जैसे जस्ट पहले वाले में पुट किया था, फाइव इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। बट यहां पे लैम्डा नॉट कौन सा वेवलेंथ है, थ्रेसोल्ड वेवलेंथ है। व्हाट इज थ्रेसोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ दैट इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा हम वेवलेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकते। कभी कभी इसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहा जाता है, क्योंकि वेवलेंथ तो लेंथ है, तो इसलिए क्या कह दिया जाता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बोला जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये तो पढ़े ही नहीं, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कह दिया जाता है। अब इस इक्वेशन का फिर से कंपेयर करके देखो, ये कौन सा इक्वेशन है, ये फिर से स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। अगर आप देख पा रहे होंगे, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब देखो इसको प्लॉट करने जाओगे
तो चलो कंपेयर करके बताओ, यहाँ मैंने कौन कौन सा एक्सेस, दो एक्सेस बना लिया। अब तो समझ गए होगे इस एक्सेस में क्या आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखो कंपेयर करके, यहाँ चलो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाला वर्ड किसको करेगा प्रूफ, सी को, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड हो जाएगा बेटा, एच सी हो जाएगा तुम्हारा एम, और 1 बाय लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा एक्स। यहाँ पे 1 बाय लैम्डा, देखो वेवलेंथ, ये कंपेयर किससे कर रहे हो आप, मच्छर परेशान करके रख दिया है, एक मच्छर। डायलॉग सुने हो, नहीं सुने हो, नाना पाटेकर का बहुत फेवरेट डायलॉग है, सर्च करके देखना गूगल में, समझ गए। यहाँ पे देखो दो चीजों का ही तो कंपेयर कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का और किसका, वेवलेंथ का। लिखी क्या रहे हो, थ्रेसोल्ड वेवलेंथ, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि दिमाग क्या आएगा एक्स एक्सिस में। वेवलेंथ पढ़ रहे हैं मैडम, हम लिख देते हैं क्या क्या होगा मैडम, वेवलेंथ पढ़ रहे हैं तो लिख देंगे फ्रिक्वेंसी, मारूंगी कुदा कुदा के सबको। जब वेवलेंथ पढ़ रहे हो तो वेवलेंथ ही आना चाहिए इस एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इस एक्सेस में आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय लैम्डा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 बाय लैम्डा क्या है, देखो अब ऐसा मत बोल देना कि मैडम कैसे कंपेयर कर दीजिए आप, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है सी, ये पूरा वैल्यू देखो एच सी क्या है, ये एच सी है एम, ये एच सी क्या है एम, 1 बाय लैम्डा क्या है एक्स, और ये वाई है, ये वाई है, समझ गए, गंदा दिख रहा है रे। अब फिर से ग्राफ बनाओ, अभी फिर से नेगेटिव है, कहाँ जाएगा मैडम, मैं तो नेगेटिव है, मैं तो नीचे जाएगा, आप देख लो, ठीक। ये वाली वैल्यू कितनी, एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक। ये वैल्यू वैल्यू क्या दिखाएगी, 1 बाय लैम्डा नॉट, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी दिखाएगी, क्या दिखाएगी, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी दिखाएगी, ठीक। देखो अब इस वैल्यू से जब ज्यादा होगा आपका जो वेवलेंथ होगा, अगर वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा नॉट से ज्यादा है, उस समय आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, इजेक्शन मिलेगा। और अगर इस वैल्यू से कम हो, इस वेवलेंथ की इस वैल्यू से कम हो, मतलब आपको इजेक्शन नहीं मिलेगा। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, एच सी होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है हमारा स्लोप है, खुद देखो यहाँ पे स्लोप की जगह वैल्यू क्या है, एच सी है, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, ग्राफ हो गए, पहले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी का, देन आपने किसका ग्राफ देख लिया, थ्रेसोल्ड वेवलेंथ का, समझ में आया, ठीक। तो ये दोनों पैरामीटर्स थे, इसके बाद चाहिए इसी के बेसिस पे एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन फोकस करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर अ सब्सटेंस, देख रहे क्वेश्चन, रात में ना दिमाग बंद हो जाता है पूरा, पता नहीं क्यों रात में रिकॉर्डिंग करती हूं मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाई ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज अप्रोक्सीमेटली। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है फाई, फाई कितना दिया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है, द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, थ्रेसोल्ड वेव लेंथ, अभी तो बताया था कि थ्रेसोल्ड वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, अभी देखो थ्रेसोल्ड वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो थ्रेसोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है थ्रेसोल्ड वेवलेंथ का, एच सी बाय फाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी का और थ्रेसोल्ड वेवलेंथ का दोनों, ये समझ में आया, ठीक। अब देखो ये आपको दिया हुआ है, देखो ये वैल्यू आपको किसमें दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसकी वैल्यू दी हुई है, फाई की। तो फाई की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बेटा आप एच सी को भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपेयर कर सकते हो ना, क्या होता है फॉर्मूला, 1240 आता है, कल पढ़े थे याद करो, एच सी इज इक्वल्स टू 1240, एच इंटू सी की मल्टीप्लीकेशन में, इतना जब ये वैल्यू किसमें हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है ये वाली पूरी वैल्यू, एच सी बराबर।
तो फाई दिया हुआ है, फाई कितना आ जाएगा डायरेक्टली 4, और लैम्डा नॉट डायरेक्टली. देखो इलेक्ट्रॉन या तो आप कैलकुलेट करके पूरा निकालो, या तो आप ध्यान रखो कि जब आपके पास ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच सी इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है भाई. ठीक है, तो अब इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग. ये मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं कैलकुलेट करना है, तुम लोग बताना. ठीक है, मैं थक जाऊंगी कैलकुलेट कर करके. आंसर बता देना मेरे को, समझ गया. इतना छोटू सा कैलकुलेशन छोड़ा मैंने तुम लोगों के लिए. देखो अब यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं. क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग आइंस्टीन, ये देखो स्पेलिंग सही लिखी थी मैंने. ड्यूरिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्सपेरिमेंट व्हाट चार्जेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये देखो दिमाग ना, सॉरी कॉन्सेंट्रेट, ज्योति कॉन्सेंट्रेट. ड्यूरिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड. क्या बोल रहा बेटा, कौन से चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस. क्लियर. अब देखो सीधी सी बात, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक ये रेडिएशन आ गए. कैसे रेडिएशन चाहिए मेरे को? हाई फ्रिक्वेंसी. ये बहुत जरूरी बेटा, ये याद ही होना चाहिए. कैसा रेडिएशन? हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ. हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, दीज आर द टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक. अब क्या बढ़ा रहा है ये क्या बढ़ा के दे रहा है? फ्रिक्वेंसी. व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब देखो हाई फ्रीक्वेंसी तो हमको प्रोवाइड ही करना है, आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे हो. वेवलेंथ आपको लो प्रोवाइड करना है, आप वेवलेंथ को और लो कर रहे हो. तो इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? हमें हाई फ्रीक्वेंसी जरूरी है. ठीक. लेकिन एक बात बताओ, अगर हाई फ्रीक्वेंसी जरूरी है और मैं लो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करूं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? हाई फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है. ठीक है, अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करूं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? इंटेंसिटी क्या होगी अगर हाई फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है? लो फ्रिक्वेंसी दोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सेम चीज, हम जो रिक्वायर्ड है अगर वही प्रोवाइड करें तो जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो क्या होती है? बढ़ जाती है. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, मतलब हाई रिक्वायर्ड है और ज्यादा हाई दे रहा है, मतलब रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक. अब कल हमने पढ़ा था कि अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है. कल पढ़ा था, याद आ रहा होगा. अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है. अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को जाके जल्दी जल्दी टिक करते जाएंगे. जितने फोटॉन्स होंगे, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेता है, मान लो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे. तो उतना देखो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा. जित नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन एमिशन बढ़ गया. और जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ गया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया? फास्ट हो गया. तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फास्ट हो गया तो उसको रोकना इजी हो गया या मुश्किल हो गया? मुश्किल हो गया ना. तो इसीलिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, the value of stopping potential increases. The value of stopping potential increases. जब क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन बढ़ गया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया? फास्ट हो गया. जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फास्ट हो गया तो बेटा उस इफेक्ट को रोकने के लिए जो हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना वो बढ़ गई.
स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको रोकने के लिए जो हमें पोटेंशियल चाहिए वो बढ़ गया। समझ में आई चीज? बस इतना ही सही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे। चलिए देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको 10 मिनट में बनाएंगे, कुछ बच्चे आधे घंटे में बनाएंगे और कुछ 1 घंटे में बनाएंगे, ठीक। जो बच्चे कैलकुलेशन में अगर शॉर्ट टर्म यूज नहीं कर पाए वो सॉल्व करते रहेंगे बैठ के। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक ही मेटल सर्फेस है ना, अलग अलग नहीं है। ये मेटल सर्फेस है, यहाँ पे पहले वेवलेंथ कितनी आई, 248 नैनोमीटर की कोई रेडिएशन आई, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, उसकी स्पीड कितनी है बेटा, U1, ठीक है। U1 इज द स्पीड, U1 क्या है, स्पीड है। जब इसमें जो वेवलेंथ आई, जो रेडिएशन आई वो अगर 310 नैनोमीटर की आई, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो किसकी, उसकी स्पीड कितनी थी, U2। ये बोल रहा है जब 248 वेवलेंथ नैनोमीटर वेवलेंथ की राइट आई तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ U1 स्पीड से, जब 310 नैनोमीटर की रेडिएशन की लाइट आई, ये वेव रेडिएशन आई, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो U2 स्पीड से एमिट हुआ। U1 और U2 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, स्पीड बोल रहा हूँ ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:1। HC की वैल्यू दी गई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? आपको फाई कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन, क्योंकि देखिए मेटल सेम है इसलिए फाई सेम ही होगा। भाई एक ही मेटल पे अलग अलग रेडिएशन दे रहे हो ना, तो मेटल तो भाई एक मेटल है, तो वो तो सेम ही नंबर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए, इसलिए फाई उसका क्या होगा, एक ही होगा। चलिए अब देखते हैं, ठीक। सिर्फ कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाते जाओ, पहले इसके लिए लगा लेते हैं, इसके लिए लगा लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। देखो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E-5। एक ही तो इक्वेशन पढ़े हम, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ा हमने। फर्स्ट वाले में लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv² स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। E कितना होता है, HC। अब देखो HC/λ ही लगाना पड़ेगा, HF तो नहीं लिखवा सकते, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो क्या लगाओगे, HC/λ। -5 कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट कर लो, 1/2 mv नहीं पता मुझे, V1 भी नहीं पता, V1 को भी V1 का स्क्वायर ही रख लो। HC 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज 248 -5, ठीक। अब देखो 248, कई लोग कैलकुलेशन में बस यहीं पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे बेटा तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो 248 इज 124 × 2, ये अगर आप देख लिए कि 248 इज 124 × 2, दैट इज आपको ये इजी हो जाएगा। 124 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 5 -5, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1, 1/2 mv² का स्क्वायर। समझ में आ गई, ठीक। अब यही काम दोबारा करना है क्योंकि अभी एक और बार लिखना है हमें, ठीक है। तो एक बार और लिखो इक्वेशन, फिर से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv² का स्क्वायर, U2 V2 जो भी U ही, अब छोड़ो इतने जगह लिख लिया तो अब ऐसे ही रहने दो, E-5, ठीक। E इज इक्वल्स टू अगेन HC/λ -5, 1/2 mv² स्क्वायर। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये भी 1240 डिवाइडेड बाय में 310 माइनस में क्या हो जाएगा, 5 1/2 mv² का स्क्वायर। अब ये 0 0 कैंसिल आउट करो, अब फिर से अगर देख रहे होगे तो 31 × 4, 31 × 1 = 4 टाइम्स, तो दैट इज 4 - 5, दैट इज 1/2 mv² का स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, जस्ट बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों पकड़ के डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 mv² है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लूं मैं, V1/V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 mv 1/2 mv कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 - 5 4 - 5, ठीक। ये क्या है, 2/1 है, तो दैट इज 4/1 इज इक्वल्स टू 5 - 5 4 - 5, 4 × 16 और ये हो जाएगा 4 5 5 - 5,
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चलिए अब ठीक है। 16 माइनस 5 और माइनस 5 प्लस 4 5, ठीक, तो ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 3 5। तो फाइनली जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 इज इक्वल्स टू दैट इज 11 बाय 3, तो ये वैल्यू आपकी 5 की, ठीक। 5 इज अगेन एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द यूनिट, ठीक। तो ये हमारा यहाँ तक का, ठीक है। अब देखिए कल बेटा इतना समझ में आ गया आप लोग के, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो जो लाइट होती है उसके केवल पार्टिकल नेचर से ही क्या है उसे प्रूव किया जा सकता है। एक बच्ची ने भी क्वेश्चन किया था आज के डाउट क्लास में कि भाई वो पार्टिकल नेचर से ही क्यों प्रूव किया जाता है, वेव नेचर से क्यों प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो मतलब वाई पार्टिकल नेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। ये देखते हैं कि इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। देखिए मान लो बेटा ये हमारा कोई क्या है, मेटल का प्लेट है, ऐसा कोई मेटल का प्लेट हमको दिया गया है। अब अगर हमारे पास जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में आ रही, तो वो वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही होगी इक्वली फॉर्म पे, ये हमारी क्या बढ़ रही होंगी, वेव बढ़ रही होंगी। तो हमने देखा जब अब पानी में क्या करते हो, पानी ऐसा मान लो पानी भरा हुआ रहता है, ऐसा पूरा पानी पानी रहता है। अब पानी में क्या बोलते हैं, गाना आता है ना, पानी ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार वाला, वैसे ही क्या करते हो। मान लो यहाँ पे आप आते हो, आप दुष्ट बच्चे हो, ऐसे एक पत्थर मार देते हो भैया, यहाँ पत्थर मार देते हो, पानी में क्या हो जाता है पूरा लहर आने लगता है ना, ये ऐसे 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 ये लहर ऐसे ऐसे फैलते जाती है, ऐसे ऐसे पानी में ये लहर ऐसे 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 सब तरफ फैलती है ना इधर से। तो वही है वेव जो होता है ना बेटा, यूनिफॉर्मली आगे बढ़ता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है वेव ऐसे आगे बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि ये जो वेव होगा ना ये मेटल के हर सर्फेस पे यूनिफॉर्मली आएगा, हर सर्फेस पे क्या होगा यूनिफॉर्म तरीके से आएगा। तो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ये जो मेटल सरफेस पे भाई हर जगह पे वेव इक्वली आएगा, मतलब हर पॉइंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल बढ़नी चाहिए, हर पॉइंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल बढ़नी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना टाइम लग जाता है, इसमें क्या हो जाता है थोड़ा टाइम लग जाता है, और ऐसा होता भी नहीं है। हर पॉइंट की एनर्जी हम सोचते जरूर है इक्वली बढ़ेगी लेकिन इक्वली नहीं बढ़ पाती इसलिए। और जो सबसे बड़ी चीज कि एक रीजन ये कि जो ये वेव है वो हर पॉइंट की एनर्जी धीरे 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 बढ़ाएगा क्योंकि इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वेव जो है वो टाइम लेगा, वेव क्या है टाइम लेगा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। भाई अब ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक वैल्यू तक पहुंचेंगे, कौन सी वैल्यू तक, ये अपनी फाई तक पहुंचेंगे, वर्क फंक्शन की वैल्यू तक पहुंचेंगे, इतनी एनर्जी गेन करेंगे। कितनी एनर्जी भाई, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अगर फाई, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब तक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इनकी नहीं हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो वेव क्या करेगा, हर एक पॉइंट का धीरे 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 एनर्जी बढ़ाता रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये पार्टिकल हो जाए तो पार्टिकल में क्या होगा, देखना घर में पानी डाले हो रे सब ना, चलो देखो जब पानी डालते हो बेटा आप क्या सोचते हो, आप ऐसे 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 खेल खेल के ऐसे ऐसे करके पानी डालते हो है ना घर में। तो आप जब पानी डालते हो आप ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे घुमा घुमा के सब तरफ पानी डालते रहते हो पेड़ पौधों में। लेकिन कोई आप सोचते हो कि सब तरफ तो आपने पानी डाला है, हर जगह का फूल बराबर खिलेगा, यहाँ भी फूल खिलेगा मैडम, यहाँ भी फूल खिलेगा, यहाँ भी फूल खिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई एक तो फूल छोटा रह जाता है, कोई एक फूल बड़ा हो जाता है, कोई एक फूल छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों, ये सिर्फ समझने के लिए, भैया एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना कि मैडम मेरा तो फूल नहीं खिला ऐसा वाला, ठीक है। तो मान लो कि एक कोई फूल खिला, क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे पानी डाल रहे थे ना तो वो पानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बट गया, वो पानी क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बट गया, और जहां जहां बड़ा वाला बूंद गिरा ना, बड़ा बड़ा वाला बूंद, उस पॉइंट का फूल क्या होना खिल गया, मतलब उस पॉइंट की एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई। तो वही सोचो कि ये जब वेव है ये छोटे छोटे अगर पार्टिकल के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल जितनी जल्दी पार्टिकल के फॉर्म में आएगा ना ये जल्दी जल्दी इसकी क्या करेगा एनर्जी बढ़ाएगा। जितने देखो पार्टिकल आएगा डायरेक्टली हिट करेगा और एनर्जी बढ़ेगी, वेव क्या आएगा स्मूथ तरीके से आता है, उतनी एनर्जी नहीं बढ़ती, स्मूथली स्मूथली टच कर करके जा रहा है, और पार्टिकल आ रहा है तो क्या करेगा सीधा स्ट्राइक करेगा और एनर्जी क्या कर देता है वो इंक्रीज कर देता है। इसीलिए बोलते हैं
क्योंकि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है. कैसा फिनोमिनन है बेटा? इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है वो. अगर आप उसको स्लोली करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा. तो एक क्लियर रीजन ये है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पार्टिकल नेचर में ही देखने को मिलता है. क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि पार्टिकल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है, और इंस्टेंटेनियस मतलब उसमें जल्दी एनर्जी बढ़नी चाहिए. पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? बहुत जल्दी इंक्रीज होनी चाहिए. इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? लेस टाइम होना चाहिए. ठीक, यहाँ पे वेव में क्या होता है? आराम से एनर्जी बढ़ती रहती है, और वो भी हम सोचते हैं इक्वली बढ़ रही है, बहुत टाइम ले लेता है. उतना टाइम हमें, उतना अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे तो ये मिलेगा ही नहीं. जब तक आप इसको एनर्जी सप्लाई करते रहोगे, ये एनर्जी अपना कोलिजन में वेस्ट करता रहेगा और अल्टीमेटली कुछ मिलता ही नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, आपने एक एटम आया, एक मॉलिक्यूल आया, स्ट्राइक किया, एनर्जी बढ़ी तो ज्यादा बढ़ गई एक ही बार में, लिया और सीधा बाहर. ठीक, तो ऐसे कुछ रीजंस दिए हैं साइंटिस्ट ने जिसके कारण हमें क्या होता है, पार्टिकल नेचर में ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है. ठीक, तो आज के लिए इतना खत्म करते हैं बेटा. फिर जब अगली क्लास में मिलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम आगे चलेंगे. आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. जो भी क्वेरीज होगी वो आप डाउट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए बेटा. बाय बाय.